ज्यादा से भी फैसिया हो रहे हैं। यकीनन हमारा ये वक्त बड़ा कीमती है, वक्त कीमती नहीं होता लेकिन ऐसी महफिलों में आने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, तभी जाकर वक्त कीमती होता है। आइए मेरा किसी तकदीर बिना किसी तखिर मैं मुफ्ती शहर बदायूं शहरियार बसम तदरीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निशाद अहमद साहब कादरी मदरसिल्लाहुल्आली से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने खिताब फरमाए। हजरत की नस्बत के शेर खुद से चलकर यह नहीं तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर यह नहीं तर्ज सुखन आया है, पाओ उस्तादों के दाबे में तो फन आया है, पाओ उस्तादों के दाबे में तो फन आया है। मंगई गुरु सफा शहजादे ताजदारे अहले सुन्नत नबी रहे आला हजरत तालुक दूर फाजिल उलूम इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना फजल रसूल मोहम्मद अफजान मियां कादरी कुदसी बदायूं नीदामत और कादरी कुदसिया परिफे ताजदारे अहले सुन्नत तर्जुमानी कादरियत हजरत हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब राजी पूनवी मदद नूरानी मौसस उलमाए किराम हुफाज निजाम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह القادر المقتدر القدير والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وبارس حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حديث الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم حضرات اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس بابرکت بابقصد اور با فیض محفل میں ہم حاضر ہیں، حضور غوث اعظم کے فیوضات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اس ذات کی صدارت اور قیادت میں اور اس کے زیر سائے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اجداد کو بھی غوث اعظم نے نوازا ہے، اور صرف ایک دو صدی کی بات نہیں، یہ خاص انعام ہے اور خاص فضل ہے کہ اگر غوث اعظم کسی کے خواب میں آ جائیں تو اس کی سوتی ہوئی قسمت بیدار ہو جائے، لیکن اس خانوادے کا اتنا گہرا تعلق ہے غوث اعظم سے کہ صاحب سجادہ اور مشائخ نظام اور راوی بھی بڑے وہ معتبر ہیں جن کی روایت میں شک نہیں کیا جا سکتا
रिवायत करते हैं आला हजरत अली फरमान के सैफुल्लाह मसलूल को गौस से आजम ने मजार मुबारक से निकल कर अपने सीने से लगाया। कोई शक कर सकता है आला हजरत अली फरमान के बारे में तो मशहूर है और बड़े बड़े शोरा ने अपनी शायरी में से रकम किया है कि मैं भी देखूं जो तूने देखा है, मैं भी देखूं जो तूने देखा है रोजे सैय सफा मुहिब रसूल। क्या देखा है और जानते रौसे आजम को माते की आंखों से देखा है और उसके बाद सरकार साहिब इब्तिदा हुजूर काजी दूला ये सब महरूमाने रौसे आजम हैं और हमने अपनी माथे की आंखों से एक महबूब को देखा है, कभी बदायूं की सरजमी पे देखा है तो कभी अजमेर की सरजमी पे देखा है। वो कौन है जो कभी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, कभी रौस का खजाना तस्लीम कर रहे हैं, कभी ख्वाजा का खजाना तस्लीम कर रहे हैं? वो कोई और नहीं ताजदारे अहले सुन्नत महबूब गौसे आजम फखरे कादरियत है जो आज भी उनका फैजान हमको मिल रहा है और गौस के खजाने वो तस्दीक कर रहे हैं। इन बुजुर्गों के जेर साए रह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इनकी शफाअत नसीब फरमाए, इनके सदके में जो है हमारी नजात अता फरमाए। और हज़रात जब हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत रायगा नहीं करती, मोहब्बत असर रखती है और उसका असर दुनिया में भी जाहिर होता है और आखिरत में भी जाहिर होता है। अगर दुनिया में आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत फिल्ला है अल्लाह के लिए, दुनिया की मनफत हासिल करने के लिए नहीं, कोई रुतबा मकाम हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करते हैं तो खुदा की कसम ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है। एक सहाबी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया बल्कि अर्ज की या रसूलल्लाह मतसफा कयामत कब आए। सही हदीस है, इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है और असहाब सुनन ने भी अपनी सुनन के अंदर इसे तफरीज की है। मतस्ता कयामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया कयामत के बारे में सवाल करने वाले जरा ये तो बताओ मा आता लहा, तुमने तैयारी क्या की है कयामत के लिए? क्या सरमाया और जखीरा जमा किया? कयामत का वुकू कब होगा ये तो बात की बात है, उसकी तैयारी क्या है, क्या तुम्हारे पास असासा है? तो वो सहाबी कहते हैं कि मेरे पास नमाजों की कसरत तो नहीं है, रोजों की कसरत तो नहीं है, मेरे पास ज़कात और खैरात का मेरा इत्मीनान नहीं है, लेकिन एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। जब तैयारी की बात आती है तो नमाजों को पेश नहीं किया जाता, कयामत के लिए क्या तैयारी की, रोजों पर इत्मीनान नहीं किया। सहाबी है और हुजूर दरियाफ्त कर रहे हैं कयामत के बारे में कि तुमने तैयारी क्या की है, तो नमाजों का तस्करा नहीं कर रहे हैं, रोजों का तस्करा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये इत्मीनान किस चीज पर है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत किया करता हूँ और यही मोहब्बत जो है मेरी नजात का सबब। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो अल मरु मन अहब्बा, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता होगा कयामत में उसी के साथ होगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ, इसमें यह नहीं फरमाया बल्कि बात रिवायतें हैं भी ऐसी लेकिन यह उमूम पर दलालत कर रही। हुजूर ये भी फरमा सकते थे कि अंता मामन अहब्बा, कि जिससे तुमने मोहब्बत की उसके साथ हो गया हो, लेकिन नहीं यहाँ फरमाया अल मरो, सवाल आपने किया है जवाब हुजूर दे रहे हैं और उसका फायदा उसका गुनाहगारों को मिल रहा है। फरमाया अल मरो मन अहब्बा, जिससे तुम मोहब्बत करोगे अब वो सहाबी नहीं है बल्कि कोई भी शख्स है, किसी जमाने का हो, किसी खत्ते का हो, कहीं का है।
साथ होगा। हम गौस के चाहने वाले हैं, रसूल के चाहने वाले हैं, आदि बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, हर बुजुर्ग की इज्जत करने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, तो यकीन जानो कि हमारा हश्र भी उनके साथ होगा। और हश्र क्या है, यहां साहब शेर याद आता है कि जिस हश्र का इतना चर्चा है वो दीन नबी का जलसा है। जिस हश्र का इतना चर्चा है वो दीन नबी का जलसा है। दीवाना तो उनका कहता है वो आज ही बर्पा हो और आपके बताते सैयद मिसबाह हसन चिश्ती फरमाते हैं जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की, जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की, ये मैदान कयामत है कि दरबारे साथ। और राजदार अलसनत फरमाते हैं कयामत जिसको कहते हैं वो जश्न ईद है हमको, कयामत जिसको कहते हैं वो जश्न ईद है हमको, मगर तैबा से मांगूंगी हकीकत में कयामत, तैबा से दूरी जो है उससे महादूरी ये कयामत है। कयामत जब आप होगी तो रसूल का दीदार होगा, वो तो ईद का दिन होगा। ईद का दिन किसके लिए होगा, किसके लिए ईद का दिन होगा, चाहने वालों के लिए होगा, मोहब्बत करने वालों के लिए होगा। वरना हश्र का तो ऐसा ऐसी नक्काशी की गई है, ऐसी जो है उसकी मंजर कशी की गई है कि बड़े बड़े अच्छों के दिल जो है वो पानी हो जाए, पानी हो जाए। हर शब्द जो है वो कर रहा है, ये दिमाग जो है वो सर के अंदर आंटी की तरह खोल रहा है। हर एक को अपने अमल की फिक्र है कि आज जो है कौन काम आएगा, किसके पास जाए। हुजूर क्या फरमाते हैं, अना सैयदु वल्दे आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं, वला फख्र, मुझे इस पर फख्र नहीं है। अना अकरमुल अव्वलीन वल आखरीन, मैं अव्वलीन व आखरीन का सरदार हूं, वला फख्र, मुझे इस पर फख्र नहीं है। अब अव्वलीन भी और आखरीन सबका सरदार भी, लेकिन ये मंजर एक जगह देखा तो जाना चाहिए। अव्वलीन भी जान ले कि सरदार कौन है, आखरीन भी जान ले कि सरदार कौन है, वरना किरामन कातिबीन मौजूद हैं, हमारे आमाल दिख रहे हैं और किरामन कातिबीन की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह बहुत ही जानता है। ये फैसले का दिन क्यों मुकर्रर किया गया, क्योंकि यहाँ पर शान महबूबियत दिखाई जाने वाली, वरना किरामन कातिबीन ने लिख दिया जो अमल कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, उस पर फैसला हो जाता और जन्नत में जन्नती दाखिल हो जाते, दोजख में दोजखी दाखिल हो जाते। इतना बड़ा मैदान उसमें लोगों को जमा किया जा रहा है, अव्वलीन व आखिरीन को जमा किया जा रहा है, और उसके बाद अब शफाअत का दरवाजा खुला जा रहा है। अब लोग कहां जा रहे हैं, जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की, कोई एक नहीं, नबी भी दुहाई दे रहे हैं, रसूल भी दुहाई दे रहे हैं, औलिया भी दुहाई दे रहे हैं, सारी लोग जो है वो हजरत आदम के पास सबसे पहले आएंगे कि शफाअत का दरवाजा तो खुले। क्या कहेंगे, सब लोग आके कहेंगे आपका आदम, आप आदम हैं, अबू ना, आप हमारे वालिद हैं, खलक अल्लाह, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है, वह नफर तफीका में रूह है, खास रूह आपके अंदर डाली है, वह अस्कनक की जन्नत है, जन्नत के अंदर आपको सुकून अता फरमाई है, वह अस्जदा लका मलाइका, अपने फरिश्तों से सजदा करवाया है, इश्फा लना इंदा रब्बे, ऐ आदम आज हमारी शफाअत कर दो, आज हमारी सिफारिश कर दो, तो हजरत आदम क्या कहेंगे, लस्त होना आज इस मनसब के लिए मैं नहीं हूं, ये मनसब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि रब नाराज है और ऐसा नाराज है कि इससे पहले कभी ऐसा नाराज नहीं हुआ, लिहाजा नाराजगी में तो किसी महबूब को भी सलाम करने की इजाजत नहीं है, कोई महबूब ही तो मना सकता है। अरे कौन, जब आप खुशी के अंदर है, अगर वालिद मोहतरम खुशी में है तो कोई भी बात कर ले, उस्ताद खुशी के आलम में है तो कोई भी कलाम कर लेगा, लेकिन आज कलाम करने की जसारत किसी को नहीं है। यौम यकूम रूह वल मलाइका सफा, तमाम फरिश्ते सबंदी के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ला यतकल्लमून, कलाम नहीं कर रहे हैं, कोई नकुशाई नहीं कर रहा है,
जिब्रील अमीन तुम सैयदुल मलाइका हो, आज रब की बारगाह में सिफारिश कर दो, कलाम कर दो, लाए पटलम, आज वो भी कलाम नहीं करेंगे। बस कलाम कौन करेगा? इल्ला मन अज़न लहू रहमान, मन अज़न लहू रहमान, जिसको रहमान ने इजाजत दे दी। किसने दी है? अब ये पता आगे चलेगा इजाजत किसने मिली है। लोग हजरत आदम का जवाब सुनकर हजरत नूह के पास आएंगे और मुझसे दरियाफ्त करेंगे, उनके सामने अरीजा पेश करेंगे कि आप सिफारिश कर दीजिए, तो वहां से जवाब क्या मिलेगा? लस्तो होना इस मतलब के लिए नहीं, नहीं। हजरत मूसा इस्लाम के पास आएंगे, हजरत ईसा इस्लाम के पास आएंगे, सबके पास भेजा जा रहा है। अब मेरे ध्यान में सवाल पैदा हो रहा है कि सबसे अलग जवाब जो है कि जरूरी का मिल रहा है, के पास जाओ, आज मैं इस मतलब का अहल नहीं हूं, तो फिर डायरेक्ट हुजूर के पास ही क्यों नहीं भेज दिया? ये भी तो किया जा सकता था, लेकिन नहीं। आज जो वसीले का इनकार करते हैं कि दरगाहों को न जाओ, खुला मजार पर हाजिरी न दो, आज उन्हें दर दर सब जगह घुमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सारे काम दुनिया के अंदर भी वसीले के जरिए हुआ करते हैं और आखिरत भी सारे काम वसीले के जरिए हुआ। ये भी आता है कि अभी हुजूर के पास आखिर में भेजा गया और सारे नबियों के पास पहले भेजा गया, तो अगर अंबिया इकराम के पास पहले नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट हुजूर के पास भेज दिया जाता, तो कोई कह सकता था कि सिफारिश करना शफाअत कुबरा का दरवाजा खोलना खाली खासा खात्मे पैगंबरान का नहीं है, बल्कि अगर लोग आदम के पास जाते तो हजरत आदम भी दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन नहीं, यह आखिर में भेजा, सबके पास पहले घुमाया है और अपनी आखिरी जा रहे हैं। जब सबसे मायूसी हो जाती है तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आते हैं, तो क्या होता है? वहां से जवाब ना कहीं मिलता है। अरे वो दर है जहाँ दुनिया के अंदर ला इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी को मना नहीं किया गया, जो जैसा आया जिस तरह आया जो चीज मांगना है वहां से अदा कर दी जा रही है, जो केवल ना ही होती, अल्लाह देता है और महबूब जो दुनिया में किसी को ना मुराद नहीं लौट करता है, उसकी गैरत को गवारा कैसे हो सकता था कि आखिरत में ना मुराद लौटा दे? नहीं, अना लहा, नहीं आज भी काम आने वाला हूं, नहीं काम आऊंगा। और हुजूर फरमाते हैं फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सजदे में गिर जाएंगे। जब तक रब चाहेगा सजदे में गिरे रहेंगे, सजदा करते रहेंगे, रब को मनाते रहेंगे। यहां से इशारा मिल रहा है, अगर गुनाहगार हो, सियाहगार हो, रब नाराज है, तो मनाने का कोई और तरीका नहीं है। मनाने का तरीका यह है कि अपने सर को रब की बारगाह में झुका दो, सजदे में गिरे रहो, सुभाना रब्बी अला की सदा याद रहो। यकीनन ये सदा जो है कारगर होगी और अल्लाह उससे खुश होगा। जब तक मुसलमान अपने सर को सजदे में झुकाता रहा, कामयाब रहा, एक बात हूं ना शरीफ के सामने सजदा रेज रहा, कामयाब रहा, उसे कामयाबी मिलती रही। जब से सर को झुकाना बंद कर दिया तो ये सर दर दर झुक रहा है, दर दर झुक रहा है। वो 313 है, बहुत कम है, सहाबाए इकराम की तादाद कम है, लेकिन कैसर और किसरा जैसी ताकतवर हुकूमतें डर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक बार दौला शरीफ के परस्तिश करने वाले हैं, सिर्फ रब से डरने वाले हैं, सजदा को राजी करने वाले हैं, तो सजदे के अंदर छुपा है ताकत का राज छुपा है। अगर आज भी ताकत चाहिए, आज भी कुव्वत चाहिए, बेखौफी चाहिए दुनिया से, तो मुसलमानों इस बात को जहन नशी कर लो कि रब की बारगाह में झुककर रब को राजी करते रहो, सजदे करते रहो, यकीनन खुदा राजी हो। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में रख दिया। हुजूर फरमाती हैं, सही हदीस है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में खुशी हो रही है, फिर अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रसा, ये सर को उठाइए। कौन आप कहिए
आज तो कोई कलाम नहीं कर रहा है, न हजरत आदम अलैहिस्सलाम, न हजरत नूह अलैहिस्सलाम, न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, न हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, न जिब्रील अमीन, न मीकाईल अलैहिस्सलाम, किसी की ज़बान नहीं बोल रही है, लेकिन आपको तो पहले से इजाजत दे दी गई है, कुल आज बोल के सुनना आपकी सुनी जाए। और एक रिवायत आती है कि कुल युस्माउ लक, आप बोलिए आपकी खातिर सबकी सुनी जाए। हम रिवायतों की तब्दीली से कितने माना पैदा हूं, यहां कहा कुल आप कहिए, आप बोलिए, आपकी सुनी जाएगी, और उसमें कहा है कि कुल युस्माउ लक, आपकी खातिर सबकी सुनी जाएगी। इश्फा कुशफा, आप शफात कीजिए और आपकी शफात कबूल की जाए, क्योंकि वादा पहले हो चुका है, रजामंदी का वादा पहले हो चुका है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुजदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें सुना दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया था, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खातिर ज़ारो क़तार हो रहे थे, जिब्रील अमीन को भेजा गया था कि रोने का सबब पूछो, तो क्या बताया, उम्मती उम्मती, उम्मत के गम में रो रहा हूँ। तो हुजूर ने क्या फरमाया किया, उम्मत के गम में रो रहा हूँ, उम्मत की खातिर रो रहा हूँ, ये कुल सिरात पर कैसे गुजरेगी, ये उम्मत जो है जन्नत में कैसे जाएगी, ये तो गुनाहगार है, सियाकार है, अरे इसकी ताकत नहीं है, ये जन्नत की हकदार कैसे बनेगी। तो उम्मत की खातिर रो रहे थे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया जी ने जी, इस हर इला मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और कहिए इन्ना सनूती का फी उम्मतिका, हम आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में राशि कर लेंगे, वला नसूक का, आपको रंजीदा होने नहीं देंगे, आपको गमनाक होने नहीं देंगे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था कि हम गमजदा होने नहीं देंगे, हम आपको राजी कर लेंगे और आपकी उम्मत के सिलसिले में रंजीदा होने नहीं देंगे। तो हुजूर ने उस पर क्या किया, जब पैगाम मिल गया था, जब खुशखबरी मिल गई थी, तो इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि लन वला अर्दा ववाहिदु मिन उम्मती फिल नार, कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी दोजख के अंदर, एक उम्मती भी दोजख के अंदर उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। क्योंकि हुजूर से कहा गया था, सही हदीस में है, कि आप इस बात पर राजी हो जाएं कि आपकी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या शफात कबूल करे। हुजूर ने कहा मैं शफात कबूल करूं, फिर पेशकश हुई, अरे पेशकश किसे की जा रही है, हमें पेशकश हो सकती है, रब पेशकश कर रहा है अपने महबूब को, महबूब के सामने पेशकश हो रही है। अगर आपकी उम्मत जो है दो तिहाई उम्मत जन्नत में चली जाए या शफात कबूल करे, तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने अर्ज किया कि मैं शफात को कबूल करता हूँ, क्योंकि दो तिहाई उम्मत में एक हिस्सा तो जहन्नम में चला जाएगा, दो की शफात होगी, लेकिन शफात मामले इसमें हुजूर के अंदर तलाश कर रही है। मालूम यह हुआ हुजूर की मर्जी यह थी कि जिसका आत्मा ईमान पर हुआ है, जो मेरा सच्चा उम्मती है, मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि वो जहन्नम में हो, मैं शफात को कबूल करता हूँ ताकि अपने साथ उसे जन्नत के अंदर ले जाऊं। हम उस रसूल के मानने वाले, हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया था, क्या फरमाया था, कि मेरी हयात जाहिरी को तुम्हारे लिए बेहतर, मेरी जाहिरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या अज़ाब इलाही नहीं आएगा। जाहिरी हयात इस बात पर दलालत कर रही है कि उमूमी अज़ाब नहीं आए और अब भी नहीं आ रहा है जिस तरह पिछली उम्मतों पर आया। तो पता ये चला कि हुजूर बा हयात है, और हुजूर ने फरमाया मेरी जाहिरी हयात के बाद मैं जब पर्दा फरमा दूंगा तो मेरी जो है विशाल भी तुम्हारे लिए बाइस रहमत है, कि अगर तुम मेरी उम्मतियों तुम्हें से कोई अच्छा काम करता है, कोई नेकी का काम करता है, तो मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अगर मेरे किसी उम्मती से कोई बुराई सरजद होती है तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसके लिए इस्तिगफार किया करता हूँ। आज लोग कहते हैं कि हुजूर को कुछ मालूम नहीं, सारे आमाल हमारे पेश किए जा रहे हैं, सारी नेकी हमारी पेश की जा रही है, आप जो है गैरदान हैं, सब आश्कार है। अरे अल्लाह वाला शरीफ को जो गैब ना कहते हैं, आलमुल गैब कहते हैं, उसका माना अभी समझा नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदार स्टेज से मैं कहने की जसारत कर रहा हूं
कि अल्लाह को आलिम उल गैब क्यों कहते हैं? भाई गैब का जानने वाला वो होता है जिसमें कोई चीज पोशीदा रहे, तभी तो गैब जानने वाला हो। हम पोशीदा चीज को जान रहे जो हमसे छुपी हुई है, तभी हम गैब क्या कहलाएंगे। लेकिन अल्लाह के लिए सब चीज जाहिर है, उसके लिए गैब क्या? वो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। अल्लाह को अगर आलिमुल गैब कह रहे हैं तो उसकी अपने लिहाज से नहीं, अपने एतबार से नहीं, बल्कि उम्मतियों और बंदों के लिहाज से कह रहे हैं। अल्लाह के लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं है, हर चीज जाहिर है। हाँ, जो बंदों से छुपी हुई है उसको अल्लाह जानता है, इसे बार से आलिमुल गैब कहते हैं। लेकिन गैब का ताल्लुक रसूल से होता है तो बहुत से लोग जो है उसका इनकार करते हैं। अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती कि गैब कहते किसे। देखिए हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कुव्वत और ताकत दी जिससे हम किसी भी चीज को जान लेते हैं, उसकी मारिफत हासिल हो जाती है। हमारी आंखें अल्लाह ने, हमें अल्लाह ने आंखें अता फरमाई जो कुव्वत वास पास ना, इससे क्या है देख लेते सामने क्या चीज है। कान अता फरमाए हैं इसके अंदर कुव्वत सामने अता फरमाई है जिससे हम सुन क्या करते हैं। सवाल इसका कुव्वत जाहिर पर है, हम चक्कर बता क्या करते हैं ये चीज कड़वी है या मीठी है। ये हमारे जो है हिस्स हम छूकर बता देते हैं ये चीज सर्द है या गर्म। नाक के अंदर अल्लाह तबारक का बताया है कुव्वत शाम आता फरमाई, हम छूकर बता देते हैं ये अच्छी खुशबू है और ये बुरी है। खुशबू का इम्तियाज करने के लिए कुव्वत शाम आ, देखने के लिए कुव्वत बासिरा है, सुनने के लिए कुव्वत सामिया है, चखने के लिए कुव्वत जायका है, और किसी चीज को ठंडा या गर्म बताने के लिए कुव्वत लामसा। इन कुव्वतों के जरिए अगर आपने किसी सब्ज चीज को सब्ज बताया है या गर्म चीज को गर्म बताया है या आंखों से देखकर आपने कोई चीज बता दी है जिससे गैर नहीं है, ये कुव्वत जाहिरी है। इन्हें कुव्वत खामिसा कहते हैं जो जाहिरा हुआ करती है। और अल्लाह ने कुछ कुव्वत दिमाग के अंदर उस पर कुव्वत ख्यालिया भी है, कुव्वत बहनिया भी है, हिस्से मुश्तरक भी है, कुव्वत मुद्रिका भी है और कुव्वत मुतसरिफा भी। लेकिन गैब का ताल्लुक जो है ना इन जाहिरी कुव्वतों से है और ना बाकी कुव्वतों से। अब इसका अंदाजा कैसे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, साहबा साहब हैं, हुजूर सवार हैं, एकदम सवारी से उतर जाते हैं कि सामने तो कब्रें नजर आ रही हैं। हुजूर फरमाते हैं कि इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। तब चुपचापा अब बताइए कब्र के अंदर अजाब हो रहा है या सवाब हो रहा है, किस कुव्वत से आप जान लीजिए। देख कर जान सकते हैं कुव्वत बासिरा काम नहीं कर रही है, सुनकर जान सकते हैं कुव्वत सामिया काम नहीं कर रही है, चक्कर जान सकते हैं कुव्वत जायका काम नहीं कर रही है। अरे क्या छूकर जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि अरे कुव्वत लालसा भी काम नहीं कर रही है। अरे कब्र पर आप अपना मुंह सूंघकर जान ले क्या हो रहा है? नहीं, ये कुव्वत शामा भी काम नहीं कर रही है। तो क्या कुव्वत वहनिया का ताल्लुक ढंग से अंदाजा लगा ले, ख्याल कर ले, तमाम कुव्वतें आप इस्तेमाल कर ले, खुदा की कसम आप नहीं बता सकते कि साहिब कब्र के साथ क्या मामला हो रहा है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि इसको अजाब दिया है गुरु कुव्वत, अब उसमें कैबिनेट फिट करा दी तब भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आलम बरज़ख से है, ये जाहिरी दुनिया से नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा लें कि उसमें क्या हो रहा है? तो हुजूर ने बताया तो इसका ताल्लुक दसों कुव्वत से नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे गैब कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसे गैब कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन हुजूर ने पर ये भी फरमा दिया, इसके आगे और गैब बताया कि किस वजह से हो रहा है, कब इंतकाल हुआ है, किसी को मालूम कितनी मुद्दत पहले इंतकाल हुआ है, ये लोग क्या किया करते थे, इसका सबब क्या है। तो हुजूर ने फरमाया एक पेशाब की छींटों से ही बचा करता था और एक दीमक किया करता था, इसलिए इसका अजाब हो रहा है। तो पता चला हुजूर ने देख भी लिया कि अजाब हो रहा है और अजाब का सबब भी बता दिया, फिर अजाब दूर करने का तदारुक भी बता दिया कि अजाब दूर कैसे होगा।
उन्होंने शाह तोड़ी और उसके दो हिस्से करे, एक कब्र पर किया एक दूसरे कब्र पर, और फरमाया जब तक ये तल रहेगी तस्वीर करती रहेगी और इस कब्र वालों के अदा में तस्वीर होती रहेगी। तो आप मुझसे बताइए ये गैब है या नहीं है? अब लोग कहते नहीं भाई गैब तो अल्लाह की सिफत है। अरे अल्लाह की सिफत है इसे इंकार नहीं है, अल्लाह की बहुत सी सिफात है, लेकिन उसके बंदा शरीक है या नहीं, आप भाई है या नहीं है, जिंदा है? अरे जिंदा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक किया करते हैं, हाथ उठा के कहिए जिंदा है, जिंदा और अल्लाह जिंदा है या नहीं? वो अल्लाह का हैतुल कय्यूम, तो अल्लाह ने हई का लफ्ज आपके लिए भी बोला है और अपने लिए भी हक का इस्तेमाल किया और शोहदा के लिए भी आया कलम इस्तेमाल किया है, तो हई होने में बराबर आप भी जिंदा है और अल्लाह भी जिंदा है, तो सिर्फ हुआ कि नहीं हुआ, ये सिर्फ रस्मा है या नहीं है? अल्लाह ने बसीर का लफ्ज अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और बसीर का लफ्ज बंदे के लिए इस्तेमाल किया है और समी का लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और बंदे के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अल्लाह रऊफ है या नहीं, कहिए है, कहां पे आया है? अल्लाह रऊफ है, अल्लाह रहीम है, लेकिन यही अल्फाज मुस्तफा के लिए इस्तेमाल हुए थे, मुमिनीन रऊफ और रहीम। तो अल्फाज के हेर फेर में मत पड़िए कि अल्फाज जो रब के लिए इस्तेमाल हो रहा है वही मुस्तफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वही बंदियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वही आप बंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अल्फाज की हकीकत की तरफ जाए, सिर्फ लफ्जों की तरफ जाएंगे तो हर चीज में शिर्क नजर आएगा, लेकिन जब हकीकत की तरफ जाएंगे तो फिर ये तमाम शुक्र को शुभा के पर्दे चाक हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की सिफात सब उसकी अपनी जात ही है, किसी की अता कदर नहीं है, अल्लाह की सिफात कदीम है, उसकी नवाज़िश कदीम है, लेकिन बंदों की सिफात ये हादिस है, पहले नहीं थी अब है, और अल्लाह की अता करना है, हम क्या मानते हैं? तो औलिया को अल्लाह की ताकत जो दी है उनकी अपनी जात ही नहीं, कोई नहीं मानता सकता। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि रसूल को जो ताकत मिली है, जो कुव्वतें मिली है, उनकी जाती नहीं है, अरे जात अपनी नहीं है, जात पैदा करता है, तो कुव्वतें भी तो अल्लाह ही ने पाई, जात हमारी नहीं है तो सिफात हमारी कैसे हो सकती है? हर चीज तो उसने अता फरमाई है, अरे कोई नहीं था वो था, जब कुव्वत उसने दी है तभी तो हमें बोलना आया है, जब कुव्वत उसने दी है तभी तो सुनना आया है, जब कुव्वत उसने दी है तभी तो देखना आया है, जब कुव्वत उसने दी है तभी तो चलना आया है, और जब ये कुव्वत छीन लेगा तो सब चीज मौजूद होगी, लेकिन अब चल सकते हैं न फिर सकते। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा वाज़ेह है कि अंबिया इकराम को जो ताकतें मिली है, जो कुव्वतें मिली है, जो ग़ैब मिला है, उनका अपना जाती नहीं है, यह किसी ने नहीं कहा है। और याद रखिए जब इल्म की बात आती है तो बहुत से लोग इतराज करते हैं इल्म में माँ काना वह इल्म मिला है, लेकिन हमारे कायदा उस जब फरमाते हैं जब ये लफ्जी बहसूल मत है, जमाने भर में जितने इल्म हैं उन सबको अहले दिल, जमाने भर में जितने इल्म हैं उन सबको अहले दिल, नबी के इल्म के दरिया का एक अपना समझ, और उन्हीं की वजह से शफात का दरवाजा खोला जा रहा है, और जब शफात का दरवाजा उनके लिए खोल दिया और रब राजी हो गया और अपने फरमा दिया खोल, अब आप फरमाइए, अब आप कहिए जो मर्जी है, जो मौलक आपकी सुनी जाएगी और आपकी खातिर सबकी सुनी जाएगी। अभी तो कोई बोलने को राजी नहीं है, अभी तो अंबिया इकराम ने जवाब दे दिया, अभी तो औलिया इकराम जो खामोश है, अभी फरिश्ते खामोश है, अभी बहुत खामोश है, दरवाजा खुल रहा है और किसने खोला है? महबूब खुदा ने खोला। अब राजी हो गया, अब जब राजी हो गया तो शफात कैसे होगी? अब शफात जो है वो औलिया भी कर रहे हैं, फलिये भी कर रहे हैं, अरे अब आदम अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं, अदम अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं, नब नाराज है तो कोई नहीं बोल रहा है, अब रब को राजी मोहम्मद मुस्तफा ने कर लिया है, अब बोलो ऐसा बोलो हजरत नूह बोलो, अब तो गौस भी बोलेंगे, अब तो कुतुब भी बोलेंगे, अब तो अब्दाल भी बोलेंगे, और अब तो वो बच्चा भी बोलेगा, वो भी शफाअत करेगा जिसका इंतकाल नाबालिगी की हालत में, वो भी शाफी मुसफा है, शफाअत करने वाला है और उसकी शफाअत कबूल की जाए। और इतना ही नहीं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ साबित हो गया, जो साबित हो गया तो हुजूर फरमाते हैं उसका नाल वालदा के नाल से जुड़ा होगा और नाल
के साथ अपनी वालदा को जन्नत मिल जाएगा। जुर्रतें बढ़ रही है, जब हिम्मतें पस्त है तो कोई नहीं बोल रहा कि रब जलाल में है। जलाल को जमाल में बदलने का, जलाल को जमाल में किसने बदला है? अरे रब की तजल्ली और जलवा तो आपको सामने है, डायरेक्ट मांगने वालों वहां डायरेक्ट मांग के देख लेना। लोगों से मुलाकात होती है, कल चेहरे भी भूल जाते हैं हम कौन है। बहुत से ऐसे
हजारों से मुलाकात हो रही है, इसको याद रखें। लेकिन ये लाखों से मुलाकात कर रहे हैं और हर को याद रख रहे हैं, तो जो पीर दुनिया के अंदर याद रखता है वो आपको चेहरा दुनिया के अंदर जो एक साल बाद देखा है वो आज नहीं भूल रहा है, दो साल बाद देखा है वो आज नहीं भूला, बहुत से 10 साल 20 साल बाद आए तो उनका नाम लिया है, बना दिया है, इसके गवाह हो जाए अभी साफ मिला है, बहुत सी मिसालें पेश कर दीजिए और मैं नाजी इसका गवाह मस्जिद ऐसा हो जहाँ आपको पहचानता हो, उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हो। अरे सुबह भी आपकी खातिर बैठ रहा है, शाम को भी बैठ रहे हैं, क्यों? एक बार बीमार हो गए तो बस्ती भाई ने कहा हुजूर आराम करिए, क्या फरमाया? मैं नहीं, ये वक्त जो है खानका में रहूंगा क्योंकि गाँव से आ दू, ये खुशी मिल रहा है, किसी तकलीफ में हो लेकिन बेचैन रहा करते थे कि जिस वक्त सुबह के वक्त बैठना है तो सुबह के वक्त भी बैठा करते थे और शाम को भी बैठा करते थे, बुखार हो तकलीफ हो लेकिन गौस से आजम की जानिब से मुकर्रर है तो उस मरीज को अंजाम दे रहे पैदा करता है, लेकिन कसम उठाई रब ने तो शहर मक्का की उठाई।
के वो महबूब के चलने फिरने की जगह ना अपला उक्तिमो पागल वाला क्यों इसलिए है कि आप से मशीन अब वलो अल्लाहु की तलमू अगर जुल्म हो जाए तो जाऊं का आपके पास आए कोई गुनाह हो जाए तो आपके पास आ जाए तो ये हुक्म सहाबा के लिए भी था ये हुक्म ताबईन के लिए भी था ये हुक्म हमारे लिए भी है और ये हुक्म जो है आने वाली नस्लों के लिए भी अब इनको जाहिरी तौफीक ये हो जाहिरी तौफीक और सबको तो जाहिर तौफीक नहीं मिलेगी सबको मक्का मदीना में हासिल नहीं होंगे जिनकी किस्मत में लिखा है भाई हासिल होंगे जिनको नहीं होंगे वो कैसे जाने तो फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल को सफा की तरफ मुतवज्जे करो अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर और दिल मदीने वाले की तरफ मुतवज्जे हो और इस तरह सवाल करो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वा तवज्जहु इलैका बिनबीयका मुहम्मदिन नबी रहमा या मोहम्मद कद तवज्जहु इला रब्बिका सुभान अल्लाह इस तरह सवाल करो सवाल करता हूँ मैं मांगता हूँ इससे मांगता हूँ मांगता तो रब से हूँ लेकिन किसके वास्ते से मांगता हूँ मुस्तफा तुम्हारे वास्ते से मांगता हूँ और सवाल करता हूँ कि तुम सिफारिश कर दो क्या सुनी क्या कहते हैं वसीला कहते हैं जरिया कहते हैं कब से नाजायज हो जाएगा हर चीज हमें वसीले और जरिए के जरिए मिली है कोई चीज बिना वास्ता नहीं मिली है तो खुदा की रहमत भी तो मुस्तफा ही के वास्ते मिली आज हम जो जश्न गौसुल मना बना रहे हैं ये भी रसूल के चहीते हैं और कैसे चहीते हैं सब क्या बादशाह औलिया है इनका फैजान हर सिलसिले के अंदर जारी हुआ और कयामत तक रहे उनके खुद फरमाते हैं अफल शमूस अवलीना व शमसुना तमाम पिछलों की सूरज चमके और चमक कर गुरूब हो गए लेकिन शम सुना हमारा सूरज हमेशा बुलंदी में चमकता रहेगा कभी गुरूब नहीं होगा और इस सूरज की किरणें जहां जहां पड़ती रहेंगी जिस जिस खानका पे पड़ती रहेंगी तो खुदा की कसम वो भी चमकती रहेगी अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गों का फैजान अता फरमाए और दुनिया के बड़े बच्चों की तौफीक अता फरमाए आमीन या रब्बाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।